बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वापस हो गए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को स्टार्ट करने जा रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की न्यू बुक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शाया की है। आज की वीडियो के अंदर हम इसके एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश इज जनरली रेफर टू एज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आमतौर पर उभरती हुई टेक्नोलॉजी कहा जाता है जी न्यू टेक्नोलॉजी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जर में से कौन सी उभरती हुई टेक्नोलॉजी की मिसाल नहीं है, तो वो 3G है। डैश टेक्नोलॉजी इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इमिटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड वर पीपल कैन इंटरेक्ट इन एन अपरेंटली रियल और फिजिकली वे। टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से तैयार करता हकीकी दुनिया की नकल है जहां लोग बज़ाहिर हकीकी या जिस्मानी अंदाज से बातचीत कर सकते हैं, और वो है AR। डैश एप्लीकेशंस आर दोज विच ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन सेवरल डिफरेंट कंप्यूटर। एप्लीकेशंस वो है जो बैक वक्त कई काम परफॉर्म करती है, और वो है डिस्ट्रीब्यूटेड। इन द ब्लॉक चेन सिस्टम द ट्रांसैक्शन आर फाइल रिकॉर्ड कैन नॉट बी ब्लॉक चेन सिस्टम में लेन देन या जारी रिकॉर्ड नहीं हो सकती मोडिफाइड। द एस्टिमेट डेटा रेट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी इज 5G टेक्नोलॉजी का तखमीना डेटा रेट है 20 GPS। डैश इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेट इनेबल अ सिस्टम टू लर्न एंड इम्प्रूव इट सेल्फ फ्राम द एक्सपीरियंस विदाउट एनी यूजर इंटरफेरेंस। मसनूई जहानत की एक शाख जो किसी निज़ाम को सारक की मुदाखलत के बगैर अपने तजर्बे से सीखने और खुद को बेहतर बनाने के काबिल बनाती है, और वो है मशीन लैंग्वेज। चैटबॉट इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। CAT इज आल्सो नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। अ सेल्फ ड्राइवर कार इज आल्सो नोन एज ऑल ऑफ दिस, यानी के A, B और C तीनों ऑप्शन है। नेक्स्ट मेरे पास ट्रू एंड फॉल्स है। एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी इज जनरली रेफर्ड एज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी को आमतौर पर उभरती हुई टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और वो है जी फॉल्स। अ सेल्फ ड्राइवर कार आल्सो नोन एज मैनुअल व्हीकल, ये भी मेरे पास आएगा फॉल्स। थर्ड है वर्चुअल रियलिटी और वेयर इज अ टेक्नोलॉजी डेट क्रिएट अ नेचुरल इन्वायरमेंट, तो ये मेरे पास ट्रू आएगा। रोबोटिक्स इज रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स, तो ये मेरे पास ट्रू है। वर्चुअल रियलिटी इज़ अ 2D इमेज, तो ये फॉल्स है। वर्चुअल रियलिटी इज़ द सेम एज ऑगमेंटेड रियलिटी, तो ये भी फॉल्स है। मशीन लर्निंग इज़ अ सिस्टम डेट इम्प्रूव इट सेल्फ विद एक्सपीरियंस, तो ये मेरे पास ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो व्हाट इज मीन बाय ऑगमेंटम रियलिटी, पेज नंबर 4 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। तो आंसर है, अनलाइक वर्चुअल रियलिटी ऑगमेंटम रियलिटी मैनेज टू मर्ज डिजिटल एंड 3D कंपोनेंट्स विद एन इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। वर्चुअल टेक्नोलॉजी के बरक्स भरा हुआ हकीकती डिजिटल और 3 जहती 3D अजरा को हकीकी दुनिया के मुताबिक फर्द के तसव्वुर के साथ ज़मन करने का इंतजाम करती है। इट्स एम टू चेंज द प्रिस्पायरेशन बाई यूटिलाइजिंग वीडियो इंफोग्राफिक्स फोटो साउंड एंड अदर फीचर, जिसके अंदर आवाज़ हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकती है, ये तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके तासर को तब्दील करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ AL, आपने एप्लीकेशन बतानी है AL की, तो पेज नंबर 2 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर जी, ऑगमेंटम रियलिटी इज नो यूज इन, कहाँ पे होता है, वेरियस इंडस्ट्री के अंदर, इंक्लूडिंग गेमिंग हो सकती है, मेडिकल हो सकती है, पब्लिक सेफ्टी के लिए, एजुकेशन के लिए एंड अदर टाइप ऑफ इंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट थर्ड है, व्हाट इज होलोग्राफिक इमेज, पेज नंबर 3 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। होलोग्राफिक इमेज, अ 3D होलोग्राम इज अ 3D प्रोजेक्शन ऑफ अ 3D रिकॉग्नाइजेशन इमेज दैट मैच ऑलमोस्ट एग्जैक्टली विद द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। एक 3D डायग्राम जो कि 3D ऑब्जेक्ट भी कहलाता है, वो एक ऐसा दिखाई देता है जैसे कि ओरिजिनल चीज़ भरी हुई है। यू डू नॉट नीड यूज 3D ग्लासेस टू सी दिस इमेज, आपको उसे देखने के लिए 3D ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। 3D होलोग्राफिक इमेज कॉमनली यूज इन मीटिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, एग्जीबिशन के अंदर होती है, एजुकेशन के अंदर, वैलिडिटी मैपिंग के लिए अंदर होता है, मेडिकल वगैरह के अंदर ये इस्तेमाल होती है, और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर प्राइमरी डिफिकल्टीज इन रोबोटिक्स, पेज नंबर 2 के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर, रोबोटिक द ब्रांच ऑफ इमर्जिंग
that is used to manufacture intelligence machine to assess a human in different tasks is called robotics. These intelligence machine are called robots. एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर इंसान ही की तरह काम किया जाए, इंसान की एफर्ट्स को कम करने के लिए एक रोबोट क्रिएट किया गया है, इसे रोबोटिक्स कहा जाता है। ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मीनिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, हेल्थ केयर के लिए, द किचन, लैंडमाइन डिटेक्शन एंड मैनी अदर एरियाज के अंदर ये इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जी, व्हाट आर अदर नेम यूज फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार? सेल्फ ड्राइविंग कार का जो कोई और नाम है तो वो आपने बताना है। पेज टू के ऊपर ही इसका आंसर मौजूद है। और सेल्फ ड्राइविंग कार का एक दूसरा नाम जिसे हम कहते हैं ऑटोमोनस व्हील्स, जो कि क्या होता है, ड्राइवर के बगैर चलती है। सेल्फ ड्राइवर कार यूज अ वैरायटी ऑफ सेंसर्स सच एज थर्मोग्राफिक कैमराज, रडार, जीपीएस एंड इंटरनल मेजरमेंट यूनिट्स टू ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग एंड आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नेविगेशन पाथ। ये क्या होता है, ये ड्राइवर के बगैर होता है और इसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, सेंसर से ही ये इस्तेमाल ड्रोन से वो कंट्रोल होती है और ये तमाम चीज़ों को इर्द गिर्द देख के खुद ये चलती है। दिस कार डू नॉट नीड अ ड्राइवर, इसके लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होती। एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमोबाइल इन गूगल वाइमो एक्सपेरिमेंट, इट इज ऑलमोस्ट टोटली ऑटोमोनस। नेक्स्ट सिक्स है जी, स्टेट दी एप्लीकेशंस ऑफ 3D इमेज। 3D इमेज की आपने एप्लीकेशन बताना है। पेज नंबर 3 के ऊपर ही इसका आंसर मौजूद है। 3D इमेज इज अ टेक्निक है फॉर गिविंग डेप्थ ऑफ अ इमेज, सिंपल इमेज आर क्रिएटेड 2D प्लेन विद द हाइट एंड विड्थ, वेयर 3D इमेज गिव द थर्ड डिमेंशन ऑफ द डेप्थ ऑफ द इमेज, इट एस्टैब्लिश ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ डेप्थ बाय द कैप्चरिंग एन आइटम इन 3D डिमेंशन। सम ऑफ इस एप्लीकेशन में क्या मौजूद है जी, 3D लेजर है, स्कैनिंग है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज है, 3D मूवी है वगैरह वगैरह, ये सारा 3D के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट जी, विच डिवाइस इज यूज टू एक्सपीरियंस विर्चुअल रियलिटी, पेज 3 के ऊपर ही आंसर मौजूद है। आंसर विर्चुअल रियलिटी, द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ विर्चुअल एनवायरनमेंट दैट कैन बी व्यूड थ्रू विर्चुअल रियलिटी हैंडसेट इज नोन एज विर्चुअल रियलिटी और VR। It is a computer generated imitation of the real world where people can interact in an apparently real or physical way. The user can interact and explore the virtual environment. Reality is experienced by the user through their senses. ये तमाम काम सेंसर के जरिए होते हैं। The virtual reality is produced by VR headset होते हैं। It is mostly used होता है training के अंदर, entertainment के अंदर, auto industry के अंदर, education के अंदर, health care के अंदर, agriculture वगैरह के अंदर और training, tourism एंड मोर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये इस्तेमाल होता है। व्हाट इज मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, पेज 5 के ऊपर आंसर मौजूद है। आंसर, यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू ट्रांसलेट रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। तहरीरी और बोली जाने वाली तहरीरों का एक जबान से दूसरी जबान में तर्जमा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का इस्तेमाल कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन के नाम से किया जाता है। The translation that is conducted using a software program enable a human translator to work more quickly and precisely. Software program के जरिए किया जाने वाला तर्जमा आसानी मुंतर्जम को ज़्यादा तेज़ और दुरुस्त तरीके से काम करने के काबिल बनाता है। It is called CAT for short, आम अल्फाज़ में इसे CAT कहा जाता है। It speeds up length translation, reduce error, it's affordable and is widely used. ये तवील तराजम को, तर्जमे को तेज करना, गलतियों को कम करना, सस्ती और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। लैंग्वेज सर्विस प्रोवाइड्स ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन कंपनीज इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर मल्टीलिंगुअल वर्क किसी फ्रिक्वेंटली यूज कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल। नेक्स्ट 9 है, हाउ कैन यू क्रिएट अ होलोग्राम एट होम, आंसर, यू कैन क्रिएट होलोग्राम बाय यूजिंग सिंपल मोबाइल एंड अ पीस ऑफ अ ग्लास और प्लास्टिक कप, प्लास्टिक कट एंड जॉइंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, यू मे प्रैक्टिस इट एट होम। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट मेक 5G बेटर देन प्रीवियस वंस। 5G, द ऑब्जर्वेशन 5G इज यूज रेफर टू द 5th जनरेशन ऑफ द सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड एस्टिमेट ऑफ इट्स डेटा ट्रांसफर रेट इज 20 GB। ये आज के दौर के अंदर 5 GB जो है ये बेहद कमाल की टेक्नोलॉजी है। इट कंपेरिजन ऑफ द अर्लियर जनरेशन, इससे पहले अगर जनरेशन की बात करें, इट इज मच फास्टर, मोर फ्लेक्सीबल एंड हैज लेस डेटा ट्रांसमिशन डिलेज। ऑल्दो 5G इज ऑलरेडी अवेलेबल इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ सम कंट्रीज, इट विल बी यूज्ड इट फॉर मोर इन द कमिंग ईयर, और आने वाले सालों में ये पूरी दुनिया के अंदर ये फैला होगा।
The application goes here 5G ki autonomous wheels, video games, smart farming, the medical fields, operations, the defense industry and many more industries. Next long question is write a note on blockchain. Blockchain ke upar apna note likhna hai. Page number 5 ke upar iska answer maujood hai. Blockchain is a method of sorting data in blocks that make it difficult or even impossible to change the data or hack it. Blockchain data ko blocks mein zakhira karne ka ek tarika hai. जो डाटा को तब्दील करना या इसे बैक करना मुश्किल या नामुमकिन बना देता है. ब्लॉक क्रिएट अ चेन बिकॉज ईच वन हैज इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक बिफोर इट, हेंस स्ट्रेंथनिंग द लिंक्स इन द चेन. ब्लॉक से एक जंजीर बनाते हैं क्योंकि हर एक के पास इससे पहले ब्लॉक के बारे में मालूमात होती है. द ट्रांजैक्शन ऑफ फाइल रिकॉर्ड कैन नॉट बी मॉडिफाइड. रिकॉर्ड या ट्रांजलेशन या फाइल में तरमीम नहीं की जा सकती. ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी. Blockchain technology is used to innovate games, secure healthcare data, provide transparency for the business, financial service, market trends and data driver research. Blockchain technology ka istemal games ko ikhtira karna, sehat ki dekhbhal ke data ko mehfooz banane, shifayat faraham karne ke liye kiya jata hai. Blockchain technology is also the backbone of all cryptocurrencies. Blockchain technology ko tamam cryptocurrency ki reed ki haddi bhi kaha jata hai. नेक्स्ट जी, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटम रियलिटी. आंसर, वर्चुअल रियलिटी द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट दैट कैन बी व्यू थ्रू वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी और VR. इट इज अ कंप्यूटर जनरेटेड इमिटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड वेयर पीपल कैन इंटरेक्ट इन एन अपेरेंटली रियल और फिजिकली वे. द यूजर कैन इंटरेक्ट एंड एक्सप्लोर द वर्चुअल एनवायरनमेंट. रियलिटी इज एक्सपीरियंस बाय द यूजर थ्रू देयर सेंसर. ये तमाम काम सेंसर के जरिए होते हैं. द वर्चुअल रियलिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय VR हेडसेट होते हैं. इट इज मोस्टली यूज होता है ट्रेनिंग के अंदर, एंटरटेनमेंट के अंदर, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर, एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर और ट्रेनिंग, टूरिज्म एंड मोर और बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये इस्तेमाल होता है. आगे ऑगमेंटम रियलिटी. अनलाइक वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटम रियलिटी मैनेज टू द मोर डिजिटल एंड थ्री डिमेंशनल कंपोनेंट्स विद द इंडिविजुअल प्रिस्पिरेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड. It's aim to change the perspiration of the utilizing video, infographics, photos, sound and other feature. Augmented reality is now used in various industry including gaming, medical field, training, public safety, education and other type of the entertainment. Ye tha mere paas class 8 emerging technology chapter number 1.